जिस हालात में लोगों को मैंने देखा, तभी फैसला किया कि हमें यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल, जो इर्द गिर्द से सारे लोग पिम्स आते हैं, कि जो सबसे तकलीफ में लोग आते हैं वो इमरजेंसी में आते हैं। और अगर उधर ये नहीं बात के वो रिफ्लेक्ट करता है हॉस्पिटल की क्वालिटी, वो इंसानियत का तकाजा है कि जब एक मरीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ में हो उसके लिए सबसे बेहतर इलाज हो। तो यहाँ उल्टा है कि पिम्स के अंदर तो कई बड़ी अच्छी डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर डेंटिस्ट्री की मैं तारीफ करूँगा, लेकिन इमरजेंसी के हालात बहुत बुरे थे जब मैंने देखा। तो आज हमने पूरी वो एक प्रोसेस से गुजरे हैं, बाहर से आर्किटेक्ट जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बनाने के आर्किटेक्ट हैं, ग्राम रैप, जिन्होंने शौकत आलम का भी डिज़ाइन किया और शौकत आलम दोनों हॉस्पिटल्स का डिज़ाइन किया। और आज अगर शौकत आलम को, दोनों हॉस्पिटल्स को जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन मिली है, तो उसकी एक ये भी वजह है कि वो एक बिल्डिंग बनी हुई है एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के डिज़ाइनर ने, आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग बनाई है। तो हम ये भी चाहते थे कि यहाँ भी ये जो इमरजेंसी बने वो एक स्पेशलाइज्ड हो, यानी वो ख़ास तौर पे केटर करे जो कि इमरजेंसी के मरीज़ आते हैं। तो उसके लिए फिर ग्राम रैप, जो कि अमेरिकन आर्किटेक्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, और मैं ख़ास तौर पे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया जितना भी ख़र्चा था ये इमरजेंसी के डिज़ाइन पे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने वो ख़र्चा दिया। ये चीज़ साबित भी करती है कि यहाँ कितनी हमारी कौम कितने खुले दिल की है, जेनरस लोग हैं। इनको मेरे ख़्याल में कोई दुनिया में इतनी कौम अल्लाह के नाम पे पैसा नहीं देती जितनी पाकिस्तानी कौम देती है। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया और अब आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है, और ये पाकिस्तान में सबसे, सारे पाकिस्तान में अब एक जो सबसे क्वालिटी की इमरजेंसी बनेगी वो ये, इसकी आज हमने आज ओपनिंग की है, इसकी ग्राउंड वर्क, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और मैं इसलिए भी, ये जो आपने जिना हॉस्पिटल की भी आज हमने स्टोन लिंक की, जिना हॉस्पिटल जो 300 बेड का हॉस्पिटल है, और ये डॉक्टर फैसल ने सही कहा कि 1985 के बाद ये पहली दफ़ा इस्लामाबाद में एक नया हॉस्पिटल बन रहा है। ये हम सबको समझना चाहिए कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। आप सबको हैरत होगी कि 2010 और अब 10 सालों के अंदर इस्लामाबाद की आबादी दुगनी हो गई है। सो इतनी तेज़ी से ये शहर बढ़ रहा है। तो 85 के बाद अगर हॉस्पिटल नहीं बना तो इसलिए इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स के ऊपर रश पड़ता है, डॉक्टर्स पे प्रेशर पड़ता है, उसकी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, और ये भी एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बन रहा है जिसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स अमेरिका से बन के आ रही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे भी आर्किटेक्ट्स इसको फॉलो करके यहाँ भी उनकी ट्रेनिंग होगी, वो भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो ये मैंने दो आज इनकी ओपनिंग की है, और मैंने ये तीसरी जो बात कहनी थी वो हेल्थ कार्ड की है। मेरा ये ईमान है कि इन 3.5 साल में किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने इतना ज़्यादा काम आवाम के लिए किया ही नहीं है। हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्वाय सिंध के, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पैसा देती हैं हेल्थ कार्ड की इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देने का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एडवांस्ड मुल्कों के भी नहीं अंदर ऐसी मिलती, प्रीमियम देना पड़ता है आपको। यहाँ हम अपनी आबादी के लिए मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, और ये कितना बड़ा ख्वाब था। तो शुरू में सारों ने कहा कि हो ही नहीं सकता। पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया छोटे पैमाने पे, फिर हमने आखिर में फैसला किया कि हम जितने भी हमारे सूबे हैं हमारे नीचे, सबको, हर ख़ानदान को हम हेल्थ कार्ड देंगे। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान की, जो इसकी विजन थी फलाई रियासत, इस्लामी फलाई रियासत,
ये सबसे बड़ा हमने कदम उठाया है उस रास्ते के ऊपर चढ़ने का कि एक इंसानियत का निज़ाम हो, एक गरीब ख़ानदान जिसके घर में बीमारी हो और पैसा ना हो बच्चों का इलाज करवाने के लिए, माँ बाप का इलाज करवाने के लिए। कितने हमारे मुल्क में ऐसे ख़ानदान हैं जिनको ये फैसला करना पड़ता है कि हमारे पास अगर पैसे नहीं तो हम क्या करेंगे, कर्जे ले लेते हैं लोग, लोग गुर्बत की लकीर से ख़ानदान नीचे चले जाते हैं, एक अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द का इलाज कराते कराते वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं कर्ज़े ले लेके। तो ये तब से मैंने, जब से पॉलिटिक्स में आया था, मेरा यही ख्वाब था कि एक दिन हमारे शहरियों को एक ऐसा कार्ड मिले कि वो उस अस्पताल में जाके इलाज करवा सके जो वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सके। और मुझे इतनी खुशी हुई, महीना पहले डॉक्टर्स हॉस्पिटल के उनके जो ओनर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे मुबारक दी कि पहली दफ़ा डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एक मज़दूर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा होगा। तो ये हमारी ये एक कदम है, इससे एक पूरा हेल्थ सिस्टम बनेगा पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी अब हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सिस्टम में, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने पैसा दिया हेल्थ इंश्योरेंस में, तो अब कोई भी गरीब इलाके के अंदर प्राइवेट सेक्टर जाके हॉस्पिटल खोल सकता है जो पहले कभी वो नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप देहातों के अंदर जाएँ, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएँ, वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते, डॉक्टर्स भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते दूर दराज इलाकों में। मुझे मियांवाली में, मैं क्योंकि मेरा हलका था, मैं वहाँ कैंपेनिंग करता था, बहुत बुरे हालात होते थे हॉस्पिटल्स के, क्योंकि डॉक्टर्स अमूमन जाते नहीं थे वहाँ, नर्सेज नहीं मिलती थी वहाँ। तो अब प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव मिल गया हेल्थ कार्ड की वजह से कि वो भी अब दूर दराज इलाकों में जा सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे तालीम हो, किसी ने भी नहीं पाकिस्तान में सोचा था कि 70 साल के बाद एक हुकूमत कोशिश करेगी एक तालीमी निसाब लाने के लिए, क्योंकि हमारा एक तबकाती तालीमी निज़ाम बना हुआ है, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छे अच्छे नौकरियां, हमारे नीचे अवाम के लिए मुमकिन ही था ऊपर आने का, क्योंकि सिस्टम, तालीम का सिस्टम ही ऊपर नहीं आने देता था। और ये फिर इंग्लिश की जो ज़बान है, ये बजाय तालीम सीखने के लिए ये क्लास डिस्टिंक्शन बन गई कि अंग्रेज़ी जो बोलता है वो ऊपर वाली क्लास का है, वो बेचारे नीचे वाली क्लास के। इतना बड़ा ये ग़ुलामी का हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है कि हम कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ ये साबित करने के लिए पढ़े लिखे हैं, वो पहले अंग्रेज़ी में 4-5 जुमले कहते हैं फिर उर्दू में आते हैं। ये जो हमने अपने ऊपर एहसास कमतरी का निज़ाम बनाया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो हमने चेंज नहीं किया। तो आज मुझे बड़ा फ़ख्र, हमने शुरुआत कर दी है बड़ी मुश्किलों से, एक कोर्ट सिलेबस, एक करिकुलम निसाब, और 5 से फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। और उसके अलावा जो हमने सीरत नबी का फ़ैसला किया कि अपने सारे बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाएंगे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है। कौम बड़ी कौम बन ही नहीं सकती जब तक उसका कैरेक्टर बड़ा ना हो। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फ़िक्री इनकलाब था, लोग गलत समझते हैं कि वो तलवार से कोई इनकलाब आया था। उनके मदीना के हिजरत पे पहुंचने के और उनके दुनिया के जाने के बाद जो 10 साल थे, सिर्फ जंगों के अंदर कोई 1000 से 1200 लोग मरे थे टोटल, लेकिन वो सारा अरब उनके नीचे आ गया था। तो वो तलवार से नहीं हुआ था, ज़ेहन बदले थे उन्होंने, फ़िक्री इनकलाब था। और वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की जब से हमारा मुल्क बना है कि लोगों को बताएं तो सही कि वो जो कुरान हमें
हुक्म देती है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, वो क्या वजह थी? वो हमारी बेहतरी के लिए है। जो कौम उनकी सुन्नत पे चलेगी वो उठ जाएगी, और क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, तो जो भी उनकी सुन्नत पे चलेगा वो कौम ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए हमने ये भी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, उसका मकसद ही ये है कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कम अज़ कम उनको ये पता हो कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने कैसे कैरेक्टर बदले, कैसे जो उनके इर्द गिर्द थे सब लीडर्स बन गए। तो ये मुझे जो सबसे खुशी है कि हमने तालीम के ऊपर वो काम किया है, हेल्थ में वो किया है, इकॉनमी को ठीक किया है, आज हमारे सारे इकॉनमी के इंडिकेटर्स राइट डायरेक्शन में हैं। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पर निकल गई है। हमने अपने पैर पर खड़े होने का, जो सबसे हमारा बड़ा मसला था कि हमारे खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, हम वो पहली गवर्नमेंट आई है जो उस तरफ अब निकल गई है कि अपनी आमदनी उठाती जा रही है और इंशाल्लाह अपने खर्चे मिलेंगे, ताकि हमें किसी के सामने ग़ुलामी ना करनी पड़े, एक खुददार कौम बन के हम सामने आए। तो आखिर में मैं फिर से आज बड़ा खुश हूँ कि ये जो दो इनॉग्रेशन किए मैंने, मैं PIMS के बोर्ड को ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम बन चुका है उसके अंदर मेरिट ख़त्म हो गई है और उसके वो इजाज़त देती है करप्शन की, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ये है कि आपने वो सिस्टम्स लेके आने हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कोई वजह नहीं कि वो अगर प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम्स लेके आए और इंसुलेट कर ले। बोर्ड का बनाने का मकसद ही ये है कि वो आप बोर्ड वो उस तरह हॉस्पिटल चलाएं जिस तरह प्राइवेट सेक्टर चलता है, यानी आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए, अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए, और जितना आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएंगे उतना हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ऊपर चली जाएगी। तो बोर्ड का तो मकसद ही है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बोर्ड को कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है ये PIMS में पोटेंशियल है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए पाकिस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बन सकती है। शुक्रिया।